हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था इंटरव्यू रिगार्डिंग उसमें से आरसीसी का चल रहा था जिसमें एक वीडियोस मैं आरसीसी के डाल चुका हूँ ये दूसरी वीडियोज है आरसीसी का उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और स्ट्रेस टैंड कर सिंपल ये दोनों तक बताया था मैं यहाँ तक आपको आप जाके प्रीवियस वीडियोस में uh, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं आरसीसी के लेक्चर ठीक है तो उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ <coughs> आज मैं आपको बताऊँगा मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन डिफरेंट मेथड्स हैं आर डिजाइन के जिसपे फ्रिक्वेंटली हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिमिस्टेड मेथड क्या है या वर्किंग स्टेज मेथड क्या है दोनों में क्या डिफरेंस है अल्टीमेट लोड मेथड क्या है ओके okay? तो इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं तो इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ आई होप कि आपको ये हेल्पफुल uh, होगा चलिए स्टार्ट करते हैं <coughs> तो मेथड्स ऑफ आर डिज़ाइन तीन मेथड्स अभी करेंटली uh, जो आर uh, में यूज uh, हुआ है वो ये तीन मेथड है सबसे पहले हम वर्किंग स्टेस मेथड को uh, लेते थे उनसे कैलकुलेट करते थे वो यूज करते थे बीच में अल्टीमेट लोड मेथड आया जब रिवीजन हुआ कोड का फिर वो भी नहीं अभी तो ये दोनों मेथड नहीं चलता है वर्किंग को भी हमने छोड़ रखा है अल्टीमेट को तो हमने स्किप कर ही दिया और तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड जो कि अभी कोड में है इनका प्रोविजन एज पर आई एस फोर फिफ्टी सिक्स तो फोर फिफ्टी सिक्स कोड में आपको एल एस एम यानी लिमिट स्टेट मेथड आपको मिल जाएगा तो डब्ल्यू एस एम को मैं शॉर्ट में डब्ल्यू एस एम लिखा हूँ वर्किंग स्टेट मेथड को अल्टीमेट स्टेट मेथड को यू एल एम लिखा हूँ और लिमिट स्टेट मेथड को मैं एल एश एम लिखाऊँ सो so, ये तीन मेथड्स आर सी सी के लिए यूज होता है हम एक एक करके देखेंगे पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड डब्ल्यू एश एम द डिज़ाइनर कीप स्ट्रेस एट वर्किंग लोड्स एज क्लोज टू परमिशिबल स्ट्रेस एज पॉसिबल बट नॉट एक्सीडिंग दैम मतलब जो लोड होगा उसको परमिसिबल स्ट्रेस तक लेके चला है इस मेथड में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में उसको एक्सीड नहीं कर रहा है है ना जो भी डिजाइनर है वो ये एश्योर करता है कि स्ट्रेस लेवल जो होगा ए, लोड का वो कहाँ तक होगा एज क्लोज देखिए एज क्लोज टू परमिसिबल स्ट्रेस एज क्लोज टू परमिशिबल स्ट्रेस एज पॉसिबल बट नॉट एक्सीड एम परमिशिबल को एक्सीड नहीं करेगा तो परमिसिबल स्ट्रेस तक लेके चलाए डब्लू एस एम मेथड में परमिसिबल स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे तो जो भी अल्टीमेट स्ट्रेस होगा उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे सो अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज योर परमिसिबल स्ट्रेस तो वहां तक के जो लोड आएगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे ओके okay? तो डब्ल्यू एस एम मेथड जो होता है इसमें हम एक फैक्टर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मॉडुलर रेशियो जो कि मैं आगे आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि मोडला रेशियो क्या होता है है ना तो मोडला रेशियो दो तरह से डिफाइन किया जाता है एक एक कि जो लॉन्ग टर्म टर्म स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया था उसके शॉर्ट तो इन जनरल ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट दैट इज इक्वल टू टू एटी बाय थ्री सिक्मा सीबीसी ये दो फार्मूला से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं तो टू एटी थ्री सिग्मा सीबीसी ये भी आपको आई एस फोर फिफ्टी सिक्स कोड में मिल जाएगा डब्ल्यू एस एम में ठीक है डब्ल्यू एस एम मेथड में ओके तो टू एट्टी अपन थ्री सिग्मा सी बी सी यहाँ पे थ्री सिग्मा सी बी सी जो है थ्री तो फैक्टर है टू एट्टी बाय थ्री ये न्यूमेरिकल का फैक्टर न्यूमेरिक फैक्टर है और सिगमा सी बी सी जो है ये कंप्रेसिव स्ट्रेस बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कंक्रीट का वो हम लेते हैं एज पर कोड जो भी ग्रेड होती है कंक्रीट का उसके हिसाब से सिगमा सी बी सी कितनी होगी एम ट्वेंटी है तो कितनी होगी ट्वेंटी फाइव है तो कितनी होगी वो हम पुट करते हैं वहाँ से हमको मॉडलर रेशियो निकल के आ जाता है सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज कंजर्वेटिव एंड हैंस एन अप ये बहुत ही कंजर्वेटिव मेथड है इसलिए इसको अब गिवेन अप कर दिया गया ये मेथड हम जनरली यूज नहीं करते अभी भी वाटर टैंक वगैरह में थोड़ा बहुत यूज होता है बट अब वाटर टैंक भी एल से डिजाइन होती है ओके okay? इसके बाद आया एक मेथड यू एल एम अल्टीमेट लोड मेथड इसमें हमने क्या किया जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया वो लोड में मतलब लोड को फैक्टर्ड किया और उसके लिए डिजाइन किया ठीक है सो अल्टीमेट लोड इज टेकन एज डिजाइन लोड जो अल्टीमेट लोड आया उसको हम डिजाइन लोड मान के चले और उस पर हमने डिजाइन किया अल्टीमेट लोड मेथड सो अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू वर्किंग लोड जो भी वर्किंग लोड आ रहा है सपोज वन थाउजेंड वर्किंग लोड आया तो उसको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया उसको फैक्टर्ड लोड बनाया और उसके ऊपर हमने डिज़ाइन किया मतलब हम क्या किए सिर्फ लोड में फैक्टर सेफ्टी लगाए ठीक है इसमें क्या किए थे परमिसिबल स्ट्रेस को एक्सीड नहीं करे परमिशिबल वैल्यू को जो परमिशिबल स्ट्रेस होगा उसको हमने डिजाइन फैक्टर डिजाइन पैरामीटर मारा उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करके वर्किंग को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिए तो वो परमिशिबल हो गया और उसको लेके हमने डिजाइन किया था डब्ल्यू एश एम में यहाँ पर लोड में हमने लगाया ठीक है उसमें स्ट्रेस इसमें लोड ओके okay? इसके बाद आता है एल एश एम इसमें हमने क्या किया इसको कहते हैं लिमिट स्टेट मेथड दिस इज कंप्रीहेंसिव मेथड विच टेक्स केयर ऑफ़ द स्ट्रक्चर नॉट ओनली इट्स सेफ्टी बट also इट्स फिटनेस थ्रू आउट द पीरियड ऑफ सर्विस लिमिट स्टेट मेथड में क्या हुआ कि अभी तक हमने क्या किया लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया है ना उसमें फैक्टर uh, permissible वैल्यू लिया तो हमने सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक नहीं किया था सिर्फ collapse क्राइटेरिया को हमने लिया था और उसके ऊपर डिजाइन किया था कितने पे वो टिका कोई beam है डिजाइन कर रहे हैं तो वो कितने लोड तक टिक जाएगा दैट इज कॉल्ड collapsible लोड है ना कि कोलेप्स कर जाएगा इतने लोड पे कोलेप्स कर गया तो उसको हम मान लिया और उस पर उसके ऊपर हमने डिजाइन किया लेकिन एल एस एम मेथड क्या होता है एलोंग विथ स्ट्रक्चरल सेफ्टी है ना उसके सिर्फ कोलैप्स में ही फेल नहीं हो सर्विसिबिलिटी uh, को को भी हमने देखा कि सर्विसिबिलिटी में भी ये फेल नहीं हो सर्विसिबिलिटी मतलब क्या हुआ आगे अभी आपको मैं बताऊंगा कि सर्विसबिलिटी क्या होता है तो दोनों क्राइटेरिया को मैं फुलफिल किया हूँ किसमें इसमें एल एस एम में तो अभी जो है एल एस एम मेथड ज़्यादातर यूज होता है तो अगर आपको एल एस एम मेथड पूछे कि वट इज़ एल एस एम तो जिसमें दोनों चीज़ें यूज की गई है लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेब्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी मैंने कॉलेब्स और सर्विलिटी दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल किया है इसमें उसके लिए हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को सो स्ट्रक्चर इज़ सेफ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सर्विसबिलिटी ओके इसके बाद है <coughs> आफ, आ, लिमिट स्टेट ऑफ हाँ टू मेन लिमिट स्टेट लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स लिमिट स्टेट ऑफ़ सर्विसिबिलिटी कोलेप्स में क्या क्या आएगा टेंशन के कारण कोलैप्स हो सकता है कंप्रेशन के कारण सीयर के कारण टॉर्सन के कारण फ्लेक्चर के कारण ये जितने भी फोर्सेस है और उसके कारण वो कोलेप्स हो सकता है कोई भी बीम और कॉलम तो उसमें वो सेफ होनी चाहिए तो टेंशन कंप्रेशन सीयर टोर्सन ये सब क्राइटेरिया हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स में लेते हैं लेकिन सर्विसिबिलिटी में क्या होगा कि डिफ्लेक्शन के कारण हो सकता है वो फेल क्रैकिंग के कारण फेल हो सकता है यानी श्रिंकेज के कारण वाइब्रेशन के कारण फेल हो सकता है ओके okay. तो इसमें क्या होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन क्रैकिंग वाइब्रेशन श्रिंकेज इसके कारण होता है ओके सो दिस इज कॉल्ड एज लिमिट स्टेट मेथड तो ये तीन मेथड्स हम यूज करते हैं डिजाइन में आई थिंक सारे क्लियर हो गए होंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सर्विसिबिलिटी एंड कोलेप्स सर्विसिबिलिटी और कोलेप्स में डिफरेंस क्या जो मैंने आपको बताया था अभी आगे बताऊंगा कि सर्विसबिलिटी क्या होता है देखिए इफ स्ट्रक्चर रिचेज द टू द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इट रिकवर्स व्हेन द लोड्स आर रिमूव्ड बट एट लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स द स्ट्रक्चर कांट रिकवर ठीक है तो इसका ये मतलब हुआ कि देखिए ये हमने कोई ये बीम है सपोज कीजिए ये बीम है इस पर लोड आ रहा है ठीक है अब क्या कर रहा है इफ स्ट्रक्चर रिचेज टू द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी अगर सर्विसिबिलिटी लिमिट में वो पहुंच गया है ना सर्विसिबिलिटी मतलब अभी आपको मैंने बताया कि डिफ्लेक्शन के कारण क्रैकिंग के कारण वाइब्रेशन के कारण है ना तो सर्विसिबिलिटी लिमिट में अगर पहुंच गया कोई भी स्ट्रक्चर तो वहाँ से जब आप लोड को रिमूव करेंगे कोई भी लोड आ रहा है डिफ्लेक्शन के कारण आ रहा है या क्रैकिंग के कारण आ रहा है जो भी आ रहा है तो यदि वो सर्विसिबिलिटी लिमिट में गया है तो वहाँ से जब आप लोड को रिमूव करेंगे तो वो उसके चांसेस होते हैं कि वो रिकवर हो जाए ठीक है उसके चांसेस होते हैं कि वो रिकवर्स हो जाए हो जाए लेकिन कोलेप्स के केस में क्या होता है वो रिकवर नहीं होता है ठीक है तो ये मेन डिफरेंस है सर्विसिबिलिटी और कोलेप्स में एक बार कोलेप्स हो गए स्ट्रक्चर कोलेप्स स्टेज पर पहुंच गया तो वो फिर वहाँ से रिकवर नहीं होता है तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्विसिबिलिटी एंड कोलेप्स नेक्स्ट है क्वेश्चन आता है कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल है ना डिफ्लेक्शन कंट्रोल ये आपने पढ़ा भी होगा आर में ये भी आई एस में दिया हुआ है डिफ्लेक्शन कंट्रोल की अगर कैंटिलीवर बीम है तो हम एल वाई डी रेशियो कितना लेते हैं सिंपली सपोर्टेड है तो कंटिन्यूस है तो कितना लेते हैं लाइक like दैट तो ये कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो इस पर दो क्राइटेरिया है ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं ले लिया हूँ कि आपको ये चीज़ें तो याद रहता है कि कैंटिलीवर के लिए हम लेते हैं सात एल वाई डी रेशियो है ना एल वाई डी रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है कैंटिलीवर के लिए लेते हैं सात सिंपली सपोर्टेड के लिए लेते हैं ट्वेंटी कंटिन्यूस के लेते हैं छब्बीस ट्वेंटी सिक्स तो ये आपको पता है कि हम ये लेते हैं ठीक है ये याद रहता है बाय हार्ट रहता है आपको बट ये कहाँ तक लेते हैं अप टू टेन मीटर स्पेन दिस इज इंपॉर्टेंट अगर टेन मीटर स्पेन तक है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि कैंटिलीवर के लिए सेवन बाकी ये जो दिया हुआ है ट्वेंटी और ट्वेंटी सिक्स सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस के लिए लेकिन अगर टेन मीटर से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे अगर टेन मीटर से ज़्यादा है ये भी प्रोविजन कोड में दे रखा है कि फॉर ग्रेटर देन टेन मीटर स्पैन इसके बाद जब हम लेते हैं रेशियो तो डी जो होगा दैट इज डेप्थ इज इक्वल टू स्पेन का स्क्वायर जो भी स्पेन मतलब एल है ना एल डिस्टेंस जो रहेगा उसका एल एलवाई डी रेशियो में एल तो स्पेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन इंटू ए स्पेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन इंटू ए और ए क्या है ए इज़ द एल वाई डी रेशियो ऑफ स्पेन अप टू टेन मीटर टेन मीटर स्पेन के लिए एल वाई डी रेशियो जो भी होता है सपोज कीजिए कैंटिलीवर है तो टेन मीटर के लिए कितना लेते हैं सेवन सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन स्पेन का स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका डी तो ये क्राइटेरिया हम लेते हैं अगर टेन मीटर से ज़्यादा है तो सेम चीज़ ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया ये हो गया कैंटिलीवर बीम सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस के लिए स्लैब के केस में हम क्या करते हैं अगर टू वे स्लैब है तो उसमें दो होता है एक सिंपली सपोर्टेड एक कंटिन्यूस तो फिर हम आते हैं कि स्टील कौन सा यूज कर रहे हैं अगर माइल्ड स्टील है तो क्या होगा और एच वाई डी स्टील है तो क्या होगा तो माइल्ड स्टील के केस में अगर सिंपली सपोर्टेड है तो एल डी रेशियो क्या होगा थर्टी फाइव और कंटिन्यूस कंटिन्यूस स्पेन के लिए क्या होगा फोर्टी इसी को पॉइंट एट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हो जाएगा एच वाई डी स्टील के लिए तो थर्टी फाइव इंटू पॉइंट एट ट्वेंटी एट फोर्टी इंटू पॉइंट एट इंटू थर्टी टू कहने का मतलब एच वाई एच डी स्टील अगर यूज करते हैं तो सिंपली सपोर्टेड के केस के में एल वाई डी रेशियो कितना होगा ट्वेंटी एट कंटिन्यूस केस में एल वाई डी रेशियो कितना होगा थर्टी टू तो ये हो गया एच वाई एच डी स्टील के लिए और ये हो गया माइल्ड स्टील के लिए ओके माइल्ड स्टील मीन्स एफ ई टू फिफ्टी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ इसके बाद हम आते हैं बीम के डिजाइन पे अब जब आर डिजाइन होती है तो जब आप बीम डिजाइन करते हैं आपने पढ़ा होगा कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन होता है ओवर इन्फोर्स सेक्शन होता है बैलेंस सेक्शन होता है तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज यूआर सेक्शन व्हाट इज ओआर सेक्शन बैलेंस सेक्शन क्या होता है ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बताइए तो यू सेक्शन क्या होता है नाम से ही लग रहा है यू आर अंडर इन्फोर्स सेक्शन है ना तो अंडर इनफोर्स मतलब स्टील रिचेज फर्स्ट टू द दिल्ड पॉइंट ठीक है इनफोर्स कम होगा यील्ड पॉइंट पे पहले कौन जाएगा स्टील जाएगा क्योंकि यू आर सेक्शन मतलब कंक्रीट इज़ मोर स्ट्रांगर देन स्टील मतलब कंक्रीट को सपोज एम ट्वेंटी फाइव है तो कंक्रीट ट्वेंटी फाइव पे पहुँचेगा कंक्रीट टेन पे ही पहुँचा ये इतना स्ट्रांगर है कि कंक्रीट टेन पे ही पहुँचा कि स्टील कितना पहुँच गया वो अपने यील्ड पे पहुँच गया तो उसको हम कहेंगे यू आर सेक्शन ठीक है अंडर डेनफोर सेक्शन मतलब वो जितनी स्टील उसको चाहिए उतना नहीं दिया गया इसलिए स्टील वाला पोर्शन जो है वो अपने यील्ड पे पहुंच गया दैट इज कॉल्ड यूआर सेक्शन तो ये समझिए तो यूआर सेक्शन में क्या होता है स्टील रिचेज फर्स्ट टू द यील्ड पॉइंट डक्टाइल फेल्योर अकर सिंस फेल्योर इन स्टील अब स्टील पहले पहुंचा तो पहले फेल कौन होगा स्टील इसलिए यू सेक्शन ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है ठीक है तो उसमें जो फेल्योर होगा क्या होगा डक्टाइल एंड डकटाइल फेल्योर इज सेफर देन ब्रिटल फेल्योर अगर कंक्रीट पहले यील्ड पे पहुंचेगा तो फेल्योर क्या होगा बेटल अब बेटल फेल्योर कहता होता सडन होता है डक्टाइल फेल्योर सडन नहीं होता वो ऐसे धीरे 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 प्लास्टिक हिंज बनता है फिर वो टूट के गिरता है ठीक है तो इसलिए यू आर सेक्शन ज़्यादा प्रीफर किया जाता है तो हमने याद क्या रखना है कि यू आर सेक्शन में स्टील पहले पहुंचेगा यील्ड पॉइंट पे डक्टाइल फेल्योर होगा और जो सेक्शन होगा मतलब न्यूट्रल एक्सिस होगा एक्स यू है ना एक्स यू जो होगा वो लेस देन होगा एक्स यू लिमिट से ठीक है मतलब सपोज कीजिए कि ये सेक्शन है स्टील का तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ लाइक करेगा इस सेक्शन का सेंटर सी जी यहाँ लाई करेगा है ना तो ये लिमिट एक्चुअल लिमिट मतलब क्या हो गया लिमिटिंग केस में है ना जब लिमिटिंग केस हम लेते हैं तो उसका न्यूट्रल एक्सिस ये होगा लेकिन यूआर सेक्शन में क्या होगा इससे नीचे रहेगा यहाँ कहीं लाइक करेगा ठीक है तो एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट एक्स यू इज़ लेस देन एक्स यू लिमिट सिमिलरली ओ आर सेक्शन अब हम आते हैं ओ आर सेक्शन ओ आर मतलब ओवर इनफोर्स सेक्शन ओवर रिन्फोर्स नाम से ही लग रहा है ओवर इन्फोर्स -reinforce मतलब इन्फोर्समेंट ज़्यादा है तो फेल कौन होगा पहले कंक्रीट होगा फेल तो कंक्रीट पहले पहुंचेगा यील्ड पॉइंट पे तो कंक्रीट रिच फर्स्ट यील्ड पॉइंट इसके बाद कंक्रीट पहुँचा फेल्योर कैसा होगा ब्रिटल फेल्योर ठीक है कंक्रीट पहुंचा फेल्योर कैसा होगा ब्रिटल फेल्योर तो कंक्रीट रिच फर्स्ट टू द यील्ड पॉइंट ब्रिटल फेल्यूर अगर और ब्रिटल फेल इसको मतलब ओ आर सेक्शन में जो फेल्योर होता है दैट इज प्राइमरी फेल्यूर बाय कंप्रेशन तो इसलिए प्राइमरी फेल्योर किससे होगा कंप्रेशन से यहाँ स्टील था तो प्राइमरी फेल्यूर किससे होता था स्टील से तो यहाँ पे कम्प्रे किससे होगा कंप्रेशन के कारण है ना कंक्रीट वाले फेल होगा तो इस केस में जो एक्स की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन एक्स्यू लिमिट होती है मतलब इस एक्स्यू लिमिट ये है इससे कहीं नीचे तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा तो हम कैसे मेजर करते हैं टॉप से मेजर करते है. तो ये एक्स हुआ तो ये यह यहाँ तो एक्स से ज़्यादा हो गया ना ये तो एक्स लिमिट से ज़्यादा होगा एक्स ठीक है इसलिए ओ आर सेक्शन में एक्स यू ज्यादा होता है और यू आर सेक्शन में एक्स्यू कम होता है तो ये हो गया ओ आर सेक्शन और थर्ड केस है आपका बैलेंस सेक्शन बैलेंस सेक्शन मतलब ही हो गया एक्स यू लिमिट पे है ना सेंटर पे लाइक करेगा मतलब स्टील और कंक्रीट हम एजूम करके चलते हैं कि दोनों एक साथ यील्ड पॉइंट पे पहुंचेगा बोथ स्टील एंड स्टील एंड कंक्रीट रिचेज यील्ड पॉइंट साइमल्टेनियसली प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट ऐसा हो नहीं सकता लेकिन हम एजूम करके चलते हैं बट डिफिकल्ट टू हैव ए बैलेंस सेक्शन बैलेंस सेक्शन प्रैक्टिकली अचीव नहीं करते लेकिन हम एज्यूम करते कि दोनों एक साथ पहुंच चुका है यील्ड पॉइंट पे ऐसे सेक्शन को हम क्या कहेंगे बैलेंस सेक्शन इसमें भी जो प्राइमरी फेल्यूर होगा वो क्या होगा कंप्रेशन के कारण होगा है ना और एक्स जो होगा एक्स्यू लिमिट के बराबर होगा तो सेंटर में लाई करेगा दोनों तो इसमें एक्स इज इक्वल टू एक्स्यू लिमिट सो ये था कॉन्सेप्ट अंडर इन्फोर सेक्शन ओवर इन्फोर सेक्शन और बैलेंस सेक्शन का आई होप कि आपकी क्लियर हो गई होगी हो ये कॉन्सेप्ट तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेडली uh, इंटरव्यूज में नेक्स्ट क्वेश्चन है एज एज पर एल एशम वाई ओ आर सेक्शन डिजाइन शुड बी अवॉइडेड अभी आपको मैं ऊपर बता ही चुका हूँ कि ओ आर सेक्शन क्यों अवॉइड किया जाता है तो ओ आर सेक्शन में आपने देखा कि फेल्योर जो होता है वो बेटल फेल्योर होता है बेटल फेल्योर सडन फेल्योर होता है उसमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है अचानक से गिर जाती है बिल्डिंग इसलिए हम ओ आर सेक्शन को अवॉइड करके चलते हैं ओके तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यूज में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव स्पेन एंड क्लियर स्पेन इफेक्टिव स्पेन और क्लियर स्पेन में क्या डिफरेंस है तो इफेक्टिव स्पेन क्या होता है कि देखिए ये सपोर्ट के सेंटर से सेंटर लेके चलते हैं हम है ना तो अगर जीरो मोमेंट यानी सपोर्ट के बाहरी सरफेस से यहाँ तक का लेंगे तो उसको हम कहेंगे क्लियर स्पेन ये क्लियर स्पेन हो गया कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है तो मतलब इनके सरफेस से इनके सरफेस तक का डिस्टेंस क्लियर डिस्टेंस अब हम सेंटर से लेंगे तो इतना चीज़ें है, है ना ये इतना चीज़ें यहाँ से मतलब एक कॉलम का सेक्शन माइनस होगा तो हम क्लियर स्पेन पे पहुंचेंगे तो इसको कहते हैं इफेक्टिव सेक्शन अगर सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे इफेक्टिव स्पैन सो क्लियर स्पैन इफेक्टिव स्पैन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है शो so करने के लिए आपको बताएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डबली रिनफोर्स बीम तो बीम दो तरह के होते हैं सिंगली रिनफोर्स डबली रिनफोर्स सिंगली रिनफोर्स में क्या होता है हम जो रिनफोर्समेंट डालते हैं वो मेन रिनफोर्समेंट बॉटम में डालते हैं क्योंकि लोड ऊपर से आ रहा है तो कंक्रीट ये ये कंक्रीट का लॉन्गिटोरल सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन है ठीक है तो लॉन्गिटोरल सेक्शन है यहां से यू एक्ट uh, uh, कर रहा है जो भी लोड ऊपर से आएगा तो कॉन्क्रीट कैसे डिफ्लेक्ट करेगा लाइक like दिस इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा तो ये फेस किस में आएगा टेंशन ये फेस किस में आएगा कॉम्प्रेशन तो स्टील कहाँ प्रोवाइड करेंगे नीचे ठीक है तो ये मेन स्टील हम बॉटम यानी टेंशन साइड में हम मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं ओके okay? तो इसको हम क्या कहते हैं uh, इसको कहते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम और यही सम सम रिइंफोर्समेंट जो है कंप्रेशन साइड में भी डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं डबली रिइंफोर्समेंट बीम तो ये तो हुआ कि डबली रिइंफोर्समेंट बीम डबली रिइंफोर्स बीम होता क्या है सो डबली रिइंफोर्समेंट बीम जो होता है जब क्या होता है कि साइज ऑफ द बीम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं है, है ना कि साइज हम नहीं बढ़ा सकते तो उस केस में हम क्या करते हैं रिइंफोर्समेंट हम अपर साइड में भी डाल देते हैं सो so, <coughs> री प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड दैट इज कंप्रेशन में भी टेंशन में भी उसको कहते हैं डब्ल्यू रे ये मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ इट इज़ ड्यू टू हाइर बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है मतलब स्ट्रेस ज्यादा आएगा मोमेंट ज़्यादा आ रहा है और साइज ऑफ बीम इज रिस्ट्रिक्टेड साइज बीम बीम की जो साइज है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है साइज मेनलीफ्थ डेप्थ हम नहीं बढ़ा सकते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू री कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड एज वेल एज कंटिन्यूस टी बीम और एल बीम ये आपको आई एस फोर फिफ्टी सिक्स में मिल जाएगा uh, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है कि आइसोलेटेड टी बीम आइसोलेटेड बीम रहेगा या आइसोलेटेड टी बीम रहेगा या कंटीन्यूस टी बीम रहेगा तो उसके लिए कैसे हम निकालते हैं इफेक्टिव वेट तो बी इफेक्टिव एल नोट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू ये होता है टी बीम आइसोलेटेड के लिए ओके okay. यहाँ पे एल नोट क्या है आपको बता चुका हूं ये क्लियर स्पैन है सो एल नोट स्पैन डिवाइडेड बाय बी बी आपका वेट्स ऑफ द बीम है और बी डब्ल्यू जो है जैसे टी सेव कैसा होता है इस टाइप का ठीक है तो ये हो जाएगा बी डब्ल्यू मतलब विट्थ ऑफ वेव वेव का जो वेट्स होगा वो तो इस, इ, इस पार्ट में बी डब्ल्यू को एड कर देते हैं तो वो इफेक्टिव वेट्स निकल के आता है ये किसके लिए है टी बीम के लिए यही अगर एल बीम के लिए पूछे सेम चीज ठीक है तो उसमें उस उसके इसमें क्या हो जाएगा दिस 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 वैल्यूज डिवाइडेड बाय वन बाई टू यानी पॉइंट फाइव एल नॉट बाई एल नॉट बाई बी प्लस फोर ओके प्लस बी डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू तो ये हो जाएगा आपका एल बीम के लिए एसोलेटेड एल बीम के लिए और सिमिलरली कंटिन्यूस के लिए क्या होता है एल नॉट बाई सिक्स प्लस बी डब्ल्यू प्लस सिक्स डी एफ एल नॉट भी पता है आपको बी डब्ल्यू भी पता है डी एफ क्या होता है डेफ्थ ऑफ फ्लेंथ ये हो जाता है टी के लिए और एल के लिए यही चीज डिवाइड बाई टू कर देंगे तो एल नोट बाई ट हो जाएगा ओके प्लस बी डब्ल्यू इधर डिवाइड बाय टू करेंगे तो थ्री डी एफ मतलब इस टर्म में सिर्फ बी डब्ल्यू को हम ऐड करते हैं इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा ये डिवाइड बाय टू तो थ्री हो जाएगा ये डिवाइड बाय टू तो ट्वेल्व हो जाएगा ओके तो इस केस में एल वाले केस में डिवाइड बाय टू कर देते हैं तो बी इफेक्टिव एल नोट बाई टी डब्लू प्लस थ्री डी एफ एल के केस में और टी के केस में एल नॉट बाय सिक्स प्लस बी डब्लू प्लस सिक्सटी है कभी कभी ये फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं इंटरव्यू में इसलिए मैं बता दें आपको ये कैसे निकालते हैं आइसोलेटेड के केस में या के केस में इफेक्टिव वेट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई स्टील इज यूज एज रिनफोर्स मटेरियल विथ कंक्रीट हम स्टील को ही क्यों यूज करते हैं एज ए रिनफोर्समेंट मटेरियल कंक्रीट के साथ वो इसलिए क्योंकि दोनों का जो थर्मल कॉफिशियंट है वो नियर अबाउट सेम होता है ट्वेल्व इंटू टेन टू द पावर सिक्स टेन टू ट्वेल्व माइनस सिक्स पर डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है थर्मल एक्सपांशन ऑफ कंक्रीट एज वेल एज स्टील ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है इसलिए हम यूज करते हैं ठीक है आप ये ए वो दे सकते हैं कि इस रीजन से हम यूज करते हैं नेक्स्ट है कि थर्मल कॉफिशियंट डिपेंड पे करता है तो थर्मल कोफिशियंट डिपेंड करता है सीमेंट के टाइप पे एग्रीगेट के टाइप पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है साइज ऑफ सेक्शन क्या है इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है थर्मल कोफिशियंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सीम एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील ये भी आपको आई एस में मिल जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम पहले हम बीम के केस में देखते हैं पहला केस लिया मैंने बीम का तो मिनिमम रिनफोर्समेंट बीम में कैसे निकालते हैं ए एस टी अपन बी डी इज इक्वल टू पॉइंट एट फाइव अपॉन एफ वाई तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं मिनिमम ए एस टी और मैक्सिमम चार परसेंट लेते हैं बीम के केस में चार परसेंट किस क्रॉस सेक्शन एरिया का ठीक है ये ये लेते हैं नॉर्मल केस में लेकिन अगर यही चीज़ अर्थक्वेक के लिए डिजाइन होगा तो एज पर ई एस वन थ्री नाइन टू जीरो के लिए कितना लेते हैं मैक्सिमम टू पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है वन थ्री नाइन टू जीरो के परसेंट मैक्सिमम स्टील कितने लेते हैं टू पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है नेक्स्ट आता है स्लैब ऑफ स्लैब के केस में मिनिमम रेन्फोर्समेंट तो ये चीजें आपको पता है इसमें डिपेंड करता है स्टील कौन सा यूज कर रहे हैं एच स्टील अगर यूज कर रहे हैं तो पॉइंट वन टू परसेंट और माइल्ड स्टील अगर यूज कर रहे हैं तो पॉइंट वन फाइव परसेंट हम लेते हैं स्लैब के केस में मिनिमम रेन्फोर्समेंट ओके कॉलम के केस में मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना होता है पॉइंट एट परसेंट मिनिमम और मैक्सिमम चार परसेंट एंड छः सिक्स परसेंट तो चार परसेंट किसके लिए जब लैब्ड होगा और सिक्स परसेंट कब जब लैब्ड नहीं होगा उस केस में तो मिनिमम पॉइंट एट और मैक्सिमम कितना हो गया सिक्स परसेंट ओके इसके बाद आता है साइड फेस रिइंफोर्समेंट साइड फेस रिइंफोर्समेंट जो लेते हैं वो पॉइंट वन परसेंट ऑफ वेब एरिया वेब एरिया का पॉइंट वन परसेंट लेके चलते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट ये डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ बीम जो है वो कितना है जब डेफ्थ ऑफ बीम ग्रेटर देन 750 लेंगे तो इतना लेंगे उससे कम है तो साइड इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होता है इन जनरल केस में अगर टॉर्सन का केस है तो 450 सौ डेप्थ होना चाहिए ठीक है और मैक्सिमम स्पेसिंग कितना लेते हैं वो 300 हंड्रेड mm एम होता है सरिया का स्टील का मैक्सिमम इन्फोर्समेंट कितना होता है थ्री हंड्रेड mm. एजम्पन इन इन्वॉल्व इन डब्ल्यू एस एम और एल एस एम एल एस एम और डब्ल्यू एस एम में क्या क्या एजम्सन है तो पाँच छः एजम्पसन है वो आप वो भी आपको कोड में मिल जाएगा तो उस एजम्पसन को आपको थोड़ा सा देख लेना है कि वो एजम्पसन क्या क्या है तो वो आप जरूर एक बार देख के जाए इंटरव्यू से पहले व्हाट आर द डिफरेंट एजम्पन यूज इन डब्ल्यू एस एम एल एज वेल एज एल एशन नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल टेंशन एंड कंप्रेशन फेल्योर क्या होता है तो देखिए ये कोई एक सेक्शन लिया इसमें मैंने प्योर शेयर स्ट्रेस एक्ट कराया ठीक है और कुछ नहीं है सिर्फ प्योर शेयर स्ट्रेस तो शेयर स्ट्रेस कैसे लगता है पैरल तो इधर से भी पैरल लग गया इधर से भी पैरल लग गया ठीक इसको कॉम्प्लीमेंट्री शेयर बोलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए फिर इसको कंप्लीट करने के लिए इधर से एक आएगा ठीक है तो ये हो गया प्योर शेयर केस तो जब प्योर शेयर के केस के में आएगा तो इस केस में जो डायगोनल टेंशन डेवलप होगा वो इस तरह से डेवलप होता है ठीक है डायगोनल के डायरेक्शन में तो आप देखे होंगे ऐसे ऐसे डायरेक्शन में ठीक है तो ये दोनों क्या होगा ये सीयर स्टेस इधर से लग रहा है तो मेंबर पूरा इस तरफ भागेगा है ना ये मेंबर इस तरफ भागेगा देखिए इधर इधर टेंशन डेवलप होगा ये इधर जाएगा तो इसके डायगोनली क्रैक डेवलप होते हैं दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल टेंशन इस तरह से इसको शो करते हैं मतलब टेंशन कैसे एक्ट कर रहा है वो मैं आपको दिखाया हूँ ठीक है तो इसमें जो क्रैक होता है सपोज ये न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ कहीं न्यूट्रल एक्सिस लाइक करेगा तो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो है ना ये क्रैक ऐसे बढ़ते जाता है सेंटर की तरफ ठीक है न्यूट्रल एक्सिस जस्ट न्यूट्रल एक्सिस के बिलो तो मैक्सिमम होता है तो ऊपर जैसे जाएगा ये कम होते जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज डायगोनल टेंशन ओके एंड लास्ट है कि जनरल डिजाइन स्टेप्स आपको पूछ लिया जाता है एक एक जनरलाइज आप बताइए किसी भी आरसीसी को हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके जनरल स्टेप्स क्या होते हैं चार पांच स्टेप्स आप बताइए ठीक तो आपको पूरा डिजाइन करके नहीं स्टेप्स सिर्फ बताने होते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो जनरल स्टेप होता है किसी भी स्ट्रक्चर का टू फाइंड ऑल द लोड्स टू बी अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चर कितने लोड अप्लाई किए गए हैं उस लोड को कैलकुलेट करना है ना उस लोड को फाइंड करना टू फाइंड द ऑल लोड्स टू बी अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पे कितने तरह के लोड अप्लाइड किए गए उस लोड को फाइंड करना ये पहला स्टेप हो गया दूसरा टू डिटरमाइन द डिज़ाइन लोड बाय टेकिंग डिफरेंट लोड कम्बिनेशन फिर हम डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन लेते हैं और डिज़ाइन लोड कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है डिज़ाइन लोड कितना आ रहा है लो, भी लोड डिफरेंट लोड का लोड कॉम्बिनेशन पता होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या आर्थिकविक लोड है ना तो ये डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन से हम फाइंड आउट करते हैं डिजाइन लोड इसके बाद क्या करते हैं टू फाइंड द रिस्पॉन्स टू फाइंड द टू फाइंड आउट रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स तो 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 मतलब क्या कि बेंडिंग मोमेंट्स एयर फोर्स एक्सेल फोर्स ड्यू टू डिज़ाइन लोड इस लोड के कारण बेंडिंग वमेंट्स फोर्स एक्सेल फोर्स कितना आ रहा है इसके बाद हम क्या करते हैं टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द सेक्शन एंड अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट इक्वायर जब ये सारे चीज़ कैलकुलेट हो गए तब हम फाइंड आउट करते हैं कि साइज़ क्या होगा सेक्शन का और कितना रेनफोर्समेंट लगेगा ठीक है तो इनिशियली हम कुछ साइज दे देते हैं और जब ये सारी चीज़ कैलकुलेट करके निकलता है तो उसमें हमको बताता है कि सेक्शन फेल है कि पास है पास है तो हमारा साइज़ जो है वो ठीक है अगर फेल है तो हम साइज़ को बढ़ा घटा देते हैं ठीक है उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट जितना आ रहा है एरिया ऑफ स्टील उतना हम प्रोवाइड कर देते हैं तो ये जनरली डिजाइन स्टेप्स होता है किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए ओके तो ये था आज का आर का लेक्चर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अभी एक दो लेक्चर मैं आर सी सी में, में ख़त्म कर दूंगा आई होप कि कुछ लोगों का हो भी चुका है इंटरव्यू तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए ओके बाय बाय टेक केयर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए देखते रहिए भी टेक्निकल